सुप्रभात, गुड मॉर्निंग भक्तजन। डिवाइन प्रभु चैनल पर आप सभी का स्वागत है। भक्तजन, क्या आपको पता है कि शारदीय नवरात्रि में घट स्थापना कैसे करनी चाहिए? तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। भक्ति और श्रद्धा और आस्था का पर्व नवरात्रि है। ये त्यौहार माँ शक्ति को समर्पित है। इस दौरान 9 दिनों तक माँ शक्ति के 9 रूपों की पूजा की जाती है। साल में नवरात्रि 4 बार आती है, पहली चैत्र और दूसरी शारदीय नवरात्रि। इसके अलावा 2 गुप्त नवरात्रि होती है, लेकिन चैत्र और शारदीय नवरात्रि का ही अधिक महत्व है। शारदीय नवरात्रि शुरू होने के कुछ ही दिन बाकी है। ये नवरात्रि आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवमी तक मनाई जाती है। इस साल शारदीय नवरात्रि 26 सितंबर से शुरू होगी। लोगों की ऐसी मान्यता है कि 9 दिन तक व्रत और माँ शक्ति के विभिन्न रूपों की आराधना करने से हर मनोकामना पूरी होती है और सभी कष्ट दूर होते हैं। नवरात्रि के पहले दिन कलश की स्थापना की जाती है, इसे घट स्थापना कहा जाता है। नवरात्रि के पहले दिन किए जाने वाला घट स्थापना महत्वपूर्ण अनुष्ठान है। इसको करने के कुछ नियम हैं जिनका पालन ना करने से उचित फल नहीं मिलता। ऐसे में सही समय पर घट स्थापना करना काफ़ी जरूरी होता है। अमावस्या और रात के समय गलती से भी घट स्थापना ना करें। घट स्थापना के लिए कुछ पूजन सामग्री चाहिए। साफ मिट्टी और मिट्टी का बर्तन सप्त धान्य के लिए, 7 अलग अलग तरह के अनाज, छोटा मिट्टी या पीतल का घड़ा, गंगाजल, कलावा, इत्र, सुपारी, कलश में रखने के लिए सिक्का और ढकने के लिए ढक्कन, आम या अशोक के 5 पत्ते, अक्षत, बिना छिला हुआ नारियल, लाल कपड़ा, गेंदे के फूल और दुर्बा घास। मिट्टी के बर्तन में मिट्टी डालकर इसमें अनाज डालें। इस तरह से 3 परत बनाएं। इसके बाद थोड़ा पानी डालें, कलश में गंगा जल भरकर उसमें कलावा बांध दें। इस पानी में सुपारी, अक्षत और सिक्का डालें। अब आम या अशोक के 5 पत्तों को कलश के किनारे पर रखें। अब नारियल पर लाल कपड़ा बांधकर कलश पर रख दें और इस पर कलावा लपेट दें। माँ दुर्गा की प्रार्थना कर कलश को 9 दिन के लिए उनकी तस्वीर के आगे रख दे। इस तरह से हम घट स्थापना कर लेंगे। तो भक्तजन, ये जानकारी आपको कैसी लगी? आशा करता हूँ कि आपको संपूर्ण आनंद की प्राप्ति हुई होगी। ऐसे ही अद्भुत और अलौकिक पुराणिक कथाओं के बारे में जानने के लिए तथा सनातन धर्म और हिंदू धर्म के देवी देवताओं के बारे में जानने के लिए हमारे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक खुश रहें, प्रसन्न रहें और निरंतर प्रभु का स्मरण करते रहें। माता रानी देर सवेर आपकी वंदना को जरूर स्वीकार करेगी। हम भी माता रानी से आपके मंगलमय और हितकारी जीवन की कामना करेंगे और प्रार्थना करेंगे कि इस नवरात्रि आपकी सभी मनोकामनाएं माता रानी संपूर्ण कर दें। तो भक्तजन, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और प्रेम से बोलिए जय माता दी।